नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोश। PFC के शेयर में अभी क्या करना चाहिए, क्या PFC के शेयर को हम लोग को बेच देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में तो एक ज़बरदस्त अभी गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये शेयर का अगर देखते हैं दोस्तों, PFC का जो कुछ दिन पहले ये शेयर 400 के ऊपर पहुंच गया था, PFC के शेयर में लगभग 400 के ऊपर जो है ये शेयर पहुंच गया था, और उसके बाद स्टॉक में अभी गिरावट बन रहा है। और ये शेयर अगर देखते हैं, मतलब हम लोग इसका डिटेल में समझते हैं, तो 100 रुपये के आसपास का शेयर था, 106 रुपया 7 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा था, और सब इन्वेस्टर्स को, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि ये शेयर जो है उसी रेंज में चलने वाला है, 106 रुपये 115 रुपये के आसपास जाएगा। उसके बाद ये शेयर में इतना धमाकेदार एंट्री दिया है और उसके बाद ये शेयर जो 400 के ऊपर पहुंच गया है। तो अभी ये शेयर में क्या करना चाहिए, गिरावट बन रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों PFC के शेयर को लेकर। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पर पूरा बना रहिए, स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। शुरू करते हैं स्टॉक की बातें दोस्तों। एक दिन में PFC के शेयर में 1.9% का गिरावट दिया, वही एक हफ्ते के अंदर 0.1% का तेजी बना, एक और एक महीने में 6.1% का जो इसमें रिटर्न देखने को मिला है। अभी यहाँ पे देखिए PFC का शेयर जो है फिलहाल यहाँ पे इसका जो ड्यूरेबिलिटी है 45 आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 62.20 आउट ऑफ 100 यहाँ पे देख सकते हैं, एंड जो ड्यूरेबिलिटी मोमेंटम है वो है 70.10 आउट ऑफ 100। दोस्तों यहाँ पे PFC के शेयर में हम लोग अगर मतलब 6 महीने का इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो जहाँ पे 6 महीने के अंदर इस शेयर में बोल सकते हैं कि एक ज़बरदस्त तेजी बना, और उसके बाद 3 महीने का देखते हैं तो 3 महीने के अंदर देख सकते हैं शेयर का जो हाई प्राइस इसने दिया था वो था 420.75 पैसे का, और जो लो प्राइस था 225.50 पैसे का। वही दोस्तों 1 महीने का जो इसका हाई प्राइस था 420.75 पैसे का, और जो लो प्राइस था 360.35 पैसे का, और एक हफ्ते का जो हाई प्राइस था 400 रुपीज़ का, और जो इसका लो प्राइस था 379.50 पैसे का। तो ये शेयर अभी एक गिरावट बना रहा है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हैं PFC का, जहाँ पे 1,27,894.40 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं जो कि कम है, इसके चलते हो सकता है कि शेयर में थोड़ा तेज़ी बने, 1.1 का जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। बात करते हैं दोस्तों कंपनी का जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है शेयर का, माफ कीजिए शेयर का, PFC के शेयर का, जहाँ पे टेक्निकली जो शेयर एक बुलिश लेवल पे चल रहा है, वही RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है, कोई MACD इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं BSE ने इसे मिला के जो एक दिन का एवरेज है PFC के शेयर में वो है 15.9 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 28.7% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 4.6 मिलियन का है। वही एक हफ्ते का BSE से मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 13.3 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 37.6% का, डिलीवरी वॉल्यूम 5 मिलियन का। एक महीने का जो BSE मिला के एवरेज है ये स्टॉक में PFC में जो कि 18.7 मिलियन का है, डिलीवरी परसेंटेज 32.2% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 6 मिलियन का है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं PFC के शेयर का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिल रहा है, वही डिलीवरी वॉल्यूम भी अभी यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिल रहा है। एक ज़बरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का अगर देखते हैं आप, जहाँ पे प्रमोटर्स के पास लगभग 55.99% का स्टेक है, FIS के पास 16.85% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 12.2% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 5.70% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 9.25% का स्टेक है। तो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया था PFC को लेके, उसको लेके हम लोगों ने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, जहाँ पे अदानी जो है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन PFC का जो एक SPV है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो खरीद रहा है। और ये चलते इसके चलते अगर देखेंगे तो PFC को एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। एंड यहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है ये खरीदने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 3,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करेगा इसको बनाने के लिए, ओन ऑपरेट एंड मेंटेनिंग द 301 किलोमीटर। तो ये जो खरीद रहा है SPV PFC से, इसके चलते अगर देखेंगे तो अदानी मतलब का जो एनर्जी, ये कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसको भी ज़बरदस्त फायदा होगा और PFC को भी एक ज़बरदस्त फायदा हो रहा है इसमें। आप ही थोड़ा समझते हैं कि क्या मतलब, देख सकते हैं कि स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये खरीद रहा है, एंड ये जो सेटअप किया गया था, जो कि किया गया था PFC कंसल्टिंग से फॉर एवोकेटिंग 7 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी RE फ्रॉम खरवा RE पार्क गुजरात। तो गुजरात का ये प्रोजेक्ट है जो PFC कंसल्टिंग ने इसको सेटअप किया था, और अब ये बेच रहा है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के पास, मतलब अदानी ग्रुप को तेज़ी बना और शेयर अभी यहाँ पे एक गिरावट बना रहा है। इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं अदानी के शेयर का या फिर कंपनी का, जहाँ पे देख सकते हैं कि पावर मतलब ये जो कंपनी है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसबर्स लगभग जो है 2.9 ट्रिलियन फाइनेंशियल 2023 से लेकर 2024 तक,
इसने 2.9 ट्रिलियन जो है डिसबर्स किया है अभी तक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये कंपनी जो है पीएफसी। वही बात करते हैं दोस्तों, कंपनी जो है देख सकते मिड कैप स्टॉक है इंक्लूडिंग पावर फाइनेंस कॉर्प ट्रेडर हायर, जो कि एक ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को बीच में देखने को मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर मिड कैप स्टॉक्स सच एज आइडिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस, गुजरात गैस, ऐसा भी मतलब बहुत सारे मिड कैप शेयर्स में है। जी एंटरटेनमेंट ट्रेड हायर बिटवीन 3% to 5%। तो मिड कैप शेयर्स में फिलहाल बोल सकते हैं कि कुछ दिन में हम लोग को एक तेज़ी बनता हुआ देखने को मिला था। दोस्तों बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में देखेंगे तो स्टॉक जो है डिलीवर हाई रिटर्न्स इन फाइनेंशियल 2023। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है विथ अदर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स सच एस RAC एंड वेरी रिन्यूएबल्स हैव जनरेटेड रिटर्न्स ऑफ ओवर 250% ड्यूरिंग जो फाइनेंशियल मतलब ड्यूरिंग जो इसका बोल सकते कि 2023 का था। तो अभी यहाँ पे कंपनी पावर फाइनेंस जो है ये एक ज़बरदस्त आप बोल सकते हैं कि मार्केट में इसका डिमांड है, एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है देख सकते कि हैज़ सीन सिग्निफिकेंट गेंस इन स्टॉक प्राइस राइजिंग 241% इन फाइनेंशियल 2023। एडिशनली स्टरलाइट पावर एक्वायर्ड एन SPV फ्रॉम जो PFC है इससे। तो PFC के जो SPV हैं जो कि शायद से टाटा ग्रुप को भी बेचा गया है, उसके बाद अदानी ग्रुप, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टरलाइट है उसको भी बेचा गया है। तो PFC का डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त है मार्केट में, एंड SPV का जो इसका एक बोल सकते हैं स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जो है उसका भी एक अच्छा खासा डिमांड हम लोग को देखने को मिला है। अभी यहाँ पे जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट है उसको थोड़ा आप समझ यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि PFC के शेयर में बाई करके चल सकते 100% कह रहा है, ज़्यादातर तो छोड़िए आप ज़्यादा छोड़ सकते हैं, जहाँ पे 100% जो एनालिस्ट शेयर मार्केट के उन लोगों का मानना है कि PFC के शेयर में बाई करके चल सकते हैं। दोस्तों कंपनी का हम देख सकते हैं मतलब PFC का देखेंगे तो मतलब जैसे कि मतलब मैक्सिमम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादातर जो एनालिस्ट उन लोग का मानना है कि शेयर में हम लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन देखते हैं PFC का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन द लास्ट 3 ईयर्स PFC हैज़ आउट परफॉर्म्ड टॉप 5 स्टॉक्स विथ हाइएस्ट मार्केट कैप इन कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज में लास्ट 3 ईयर्स में देखेंगे तो PFC ने जो एक हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिया है। वही दोस्तों बात करते हैं इसका जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इज अप फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर जो कि 83,000 करोड़ हुआ है विद एन एवरेज इंक्रीज ऑफ 5.3% पर क्वार्टर। तो पर क्वार्टर का इसका जो नेट प्रॉफिट है 5.3% बढ़ता हुआ देखने को मिला है PFC का। एंड वही रिटेल के पास जहाँ पे 8.38% का स्टेक था, स्टेक बढ़ा दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स ने, 9.26% का स्टेक कर दिया है। एंड वही दोस्तों बात करते हैं जो मतलब प्राइस है इसका शेयर का, देख सकते 3 महीने के अंदर लगभग 5.74% के आसपास जो है ये शेयर बढ़ गया, माफ कीजिए 57.4% के आसपास जो है ये शेयर बढ़ गया है। तो अगर आपने शेयर 3 मंथ्स के अंदर भी लिया है तो एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको इसमें देखने को मिला रहेगा। रेवेन्यू की बात करते हैं इज़ अप फॉर द लास्ट 6 क्वार्टर्स 18.54 करोड़ से बढ़ के जो है 22.40 करोड़ हुआ है विथ एन एवरेज जो है इसका पर क्वार्टर 3.7% रेवेन्यू बढ़ा है PFC का। तो ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है PFC, एंड यहाँ पे अगर देखते हैं अगेंस्ट मतलब जो इसके जिसकी बहुत सारे और भी इस इंडस्ट्रीज के शेयर से इस सेक्टर्स के शेयर से इन द लास्ट 1 ईयर देखेंगे तो RAC लिमिटेड हैज़ गेन 252.9% रिटर्न आउट परफॉर्मिंग द स्टॉक बाय 23%। तो RAC का भी देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे RAC की ओर से भी एक ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है, इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है PFC, और शेयर में भी हो सकता है कि यहाँ से भी थोड़ा बहुत तेज़ी बने। तो जिसके पास शेयर नहीं है हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहिए, थोड़ा गिरावट बने तो शेयर खरीद सकते हैं, जिसके पास शेयर है तो थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से तेज़ी बनता हुआ देखने को मिले। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नोविश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।